जय जोहार, नमस्कार। हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज है आपका 5 अगस्त, 5 अगस्त 2022, और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज का जो है करंट अफेयर देखिए देखिए छत्तीसगढ़ से किस साहित्यकार को उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। ऑप्शन को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, गिरीश पंकज। देखिए इसके संबंध में कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के तत्वाधान में प्रतिवर्ष विविध श्रेणी में सम्मान प्रदान किया जाता है, और इसमें छत्तीसगढ़ के साहित्यकार गिरीश पंकज को साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। याद रखना है दोस्तों नाम को साहित्यकार का। देखिए सम्मान के रूप में 2.5 लाख रुपए की जो है पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। देखिए कि साहित्यकार गिरीश पंकज की जो है 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसमें 11 उपन्यास और 3 व्यंग संग्रह शामिल हैं। और देखिए दोस्तों कि इससे पूर्व जो है हिंदी भवन दिल्ली से व्यंगश्री सम्मान के रूप में 1 लाख रुपए एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जा चुका है। याद रखना है दोस्तों कि वह रायपुर में पिछले 4 दशकों से पत्रकारिता एवं साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं, और वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से किस स्कूल को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन को देखिएगा दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है, शासकीय प्राथमिक शाला छेड़िया। देखिए कि जिला स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में बालोद जिला के शासकीय प्राथमिक शाला छेड़िया ब्लॉक गुरूर के अंतर्गत है दोस्तों, ये इनको दोस्तों प्रथम जो है स्थान मिला है। याद रखिएगा कि दोस्तों जिला स्तरीय रैंकिंग में 65% अंक लेकर शाला को 5 स्टार मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ट्राइफेड ट्राइब्स इंडिया के 200 आउटलेट्स में छत्तीसगढ़ के किस ब्रांड के उत्पादों को शामिल किया जाएगा? ऑप्शन को देखिएगा दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, कोंडानार। देखिए इसके संबंध में यहाँ विशेष कि ट्राइफेड ट्राइब्स इंडिया के 200 आउटलेट्स में छत्तीसगढ़ के उड़ान महिला कृषक उत्पादक कंपनी कोंडा गांव के दोस्तों कोंडानार, देखिए कोंडानार याद रखिएगा, कोंडानार है ये, कोंडानार ब्रांड के उत्पादों को शामिल किया जाएगा। और इसके लिए ट्राइफेड की ओर से दोस्तों उत्पादों का जो है भौतिक परीक्षण कर मंजूरी दे दी गई है। देखिए कि ट्राइफेड ट्राइब्स इंडिया के देश भर के सभी आउटलेट्स में दोस्तों जनजाति क्षेत्रों के जनजातियों के प्रोडक्ट को ही स्थान मिलता है। उड़ान कोंडानार दोस्तों, देखिए उड़ान कोंडानार ब्रांड से तिखूर मिल्क शेक बनाने वाली पहली और वर्तमान में एकमात्र कंपनी है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए हाल ही में चर्चित झुमका बांध कोरिया जिले के किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिएगा दोस्तों, ए बी सी या डी। ये काफ़ी चर्चा में है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, और जिला का नाम आपको याद होना चाहिए कि ये किस जिले में है। तो ये किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है, बैकुंठपुर। देखिए कि कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों झुमका बांध आता है। और देखिए 350 हेक्टेयर में बने झुमका बांध के बीच करीब 3.5 हेक्टेयर में आइलैंड बना हुआ है, जिसे झुमका आइलैंड कहते हैं। याद रखना है कि इस आइलैंड को दोस्तों 45 दिन में है ना 18 लाख रुपए खर्च करके तैयार किया गया है, और अभी हाल ही में दोस्तों पर्यटन के लिए चर्चा में है। यहाँ बॉटनिकल गार्डन बनाने का कार्य किया जा रहा है दोस्तों, और यहाँ हर महीने 4 से 5 हज़ार पर्यटक जो है पहुँच रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए भारत के नए मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे बनाया जाएगा? ऑप्शन को देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, उदय यू ललित, यू यू ललित। देखिए इसके संबंध में कि जस्टिस उदय यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने 4 अगस्त 2022 को उनके उत्तराधिकारी के रूप में न्यायाधीश यू यू ललित के नाम की दोस्तों सिफारिश की है। याद रखिएगा दोस्तों कि न्यायमूर्ति यू यू ललित को अगस्त 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए छत्तीसगढ़ में कुपोषण मुक्ति के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत पिछले 3 सालों में प्रदेश के कितने बच्चे कुपोषण से बाहर आ गए हैं? ऑप्शन को देखिएगा दोस्तों, ए बी सी या डी।
ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है, 2,11,000। देखिए इसके संबंध में कि हाल ही में छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण मुक्ति के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के लगभग 2,11,000 बच्चे जो हैं कुपोषण से बाहर आ गए हैं। याद रखना है दोस्तों कि वर्ष 2019 में इस अभियान के शुरू होते समय प्रदेश में कुपोषित बच्चों की जो संख्या है 4,33,000 थी, और इस प्रकार कुपोषित बच्चों की जो संख्या में 48% की कमी आई है। ठीक है, याद रखना है कि इस योजना के तहत नियमित गर्म भोजन और पौष्टिक आहार मिलने से प्रदेश की लगभग 85,000 महिलाएं भी एनीमिया से मुक्त हो चुकी है। ये ठीक है, याद रखना है, और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि याद रखना है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 2019 से की गई थी। ठीक है, डेट आपको याद रखना है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है, और कल का करंट अफेयर स्पेशल था दोस्तों, आप देख लीजिएगा अगर देखे नहीं है तो। तो देखिए छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक वेटलैंड आर्द्र भूमि है ना, वेटलैंड को आर्द्र भूमि बोलते हैं, का राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जाएगा। राज्य में कितने वेटलैंड है, ऑप्शन को पढ़कर दोस्तों कमेंट्स में जवाब दीजिएगा, और शेयर कर रहे हो दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही शेयर करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना, डेली का उसमें अपडेट कर दिया जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और करेंट अफेयर थोड़ा कम रहता है तो माफ़ करिएगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।